वॉटसन बिल। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि लोग जो है वो अब जब अपनी मजलूमियत की आवाज को उठाने के लिए वो प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म उनको नजर आता है जो कि पार्लियामेंट का होता है। तो मेरे लिए बड़ी हैरत की बात हुई जब मैंने कल एक वीडियो देखी मिस्टर एजाज आलम अगस्त साहब की कि जिसमें वो जब तक पार्लियामेंट के मेंबर रहे तो वो उस बयान के अंदर उस वीडियो के अंदर जो तजादात मुझे नजर आए मैं उन पर बात करना चाहता हूं कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा रहे और इस बात का इकरार कर रहे हैं अब पार्लियामेंट में नहीं अब जबकि पार्लियामेंट से उनका ताल्लुक खत्म हो गया तो अब बात कर रहे हैं कि जनाब हमारी सुनी नहीं जाती। लेकिन मैं जाती तौर पर जानता हूं और मेरी उनसे एक आध दफा गुफ्तगू भी हुई तो वो अपनी हुकूमत को बड़े जबरदस्त तरीके से डिफेंस करते थे वो भी और सिस्टर शनीडा रूज भी, मगर पार्लियामेंट में से बाहर आने के बाद दीगर हमारे जो सबका पार्लियामेंट मेंबर्स हैं जब तक वो हुकूमतों में रहते हैं तो हुकूमतें उनके लिए बहुत अच्छी होती हैं, कभी अपनी कौम की आवाज नहीं बनते और जब किसी जगह नहीं रहते तो फिर उनको अकलियतों का वो याद आता है कि जी अकलियतें पाकिस्तान में गैर महफूज हैं जैसे कि इस वीडियो में एजाज आलम अगस्तन साहब ने कहा। ख्वाजा आसिफ साहब का वो जुमला तारीखी जुमला कि यार कोई शर्म होती कोई हया होती वो मुझे याद आया गो के मैं तबीयत ऐसा नहीं हूं कि मैं किसी की इंसल्ट करूं और मैं अभी भी एजाज आलम अगस्तन साहब से ये दरख्वास्त करूंगा कि उनको कोई हक नहीं है कि वो अकलियतों की आवाज को बुलंद करें क्योंकि जब तक वो पार्लियामेंट में रहे वो कोई काम नहीं करवा सके, एक तेले का काम जो है वो नहीं करवा सके, एक टके का काम नहीं करवा सके। और अभी वो बात कर रहे हैं तजादात क्या थे उनके इस वीडियो के अंदर, अपनी वीडियो के अंदर वो बात कर रहे हैं कि जनाब हमने बहुत दफा आवाज उठाई मगर हमारी आवाज सुनी नहीं गई। दूसरे ही सांस में वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमने वो जो फैसलाबाद का जो स्कूल था दाऊदनगर का जो कि बिशप इफ्तिखार इंद्रिया साहब ने बनवाया उसका जो वासा का जो वो था ऑर्डर था कैंसिल करने का कोर्ट की तरफ से वो हमने करवाया। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी सुनी नहीं जाती, दूसरी तरफ आप तो कहने का मकसद ये है कि जब तक आप पार्लियामेंट में होते हैं, ये तमाम पाकिस्तानी मसीह पार्लियामेंटेरियन की मैं बात कर रहा हूँ, अफसोस की बात है, अपनी कौम के लिए उस तरीके से किरदार अदा नहीं करते जैसे कि वो कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊं मिसाल दूं ताहिर खलील सिंधु साहब की, जब तक वो पार्लियामेंट में नहीं थे यानी हुकूमत में नहीं थे तब तक वो अकलियतों की बात करते थे, अब जब से वो हुकूमत में आए हैं और इस वक्त मैं जानता हूं कि वो ताकतवर पोजीशन में है नून लीग की हुकूमत के अंदर, तो मैंने दो दफा उनको मैसेज भेजा उन्होंने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया जबकि वैसे वो मेरे मैसेज का जवाब देते थे। तो मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात होती है कि हुकूमत में ऐसा क्या है कि आपकी गर्दन में सरिया आ जाता है। दरख्वास्त करता हूं कि हमारे पार्लियामेंट मेंबर जब आप हुकूमत का हिस्सा हैं, हुकूमत में बैठे हुए हैं, तब अपनी आवाज बुलंद करें और अपनी आवाज में ताकत रख के बुलंद करें, तो तब तो मजे की बात है कि जी अपनी हुकूमत को कहें कि अगर आप नहीं सुनेंगे तो आप रिजाइन करें और रिजाइन भी पार्लियामेंट के फोरम के अंदर मतलब पार्लियामेंट के अंदर जो सेशन होता है आपका उसके अंदर अनाउंस करें ताकि दुनिया को नजर आए कि आप कौम के साथ खड़े। और अभी एजाज आलम अगस्तन साहब अपनी वीडियो में कहते हैं कि जनाब सारे जो है वो इकट्ठे हो जाएं और हम खवातीन के हवाले से आवाज बुलंद करेंगे और ये करेंगे। जब आप पार्लियामेंट जैसे एक ताकतवर निजाम के अंदर रहकर भी कुछ नहीं कर सके तो हुण की करोगे सर जी।